नमस्कार, झारखंड न्यूज में आपका स्वागत है। आइए झारखंड राज्य के टॉप 10 प्रमुख खबर जानते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा कि 80% मामला में संक्रमण का लक्षण नहीं होता है। उन्होंने कहा कि यह हमारे देश के लिए चिंता का विषय है। वरिष्ठ वैज्ञानिक रमन ने कहा कि सबका टेस्ट कर पाना मुमकिन नहीं है, यह चिंता का विषय है। खुद का ख्याल और सरकार के दिशा निर्देश का पालन करना जरूरी है। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ साथ हल्की बारिश की संभावना है। 21 व 22 अप्रैल को राज्य के उत्तर पूर्वी व दक्षिण पूर्वी भाग में कुछ स्थानों पर गरज के साथ साथ वज्रपात होने की संभावना है। झारखंड से बाहर फंसे मजदूरों की सहायता के लिए बनाए गए झारखंड सहायता ऐप में प्रतिदिन 14,000 प्रवासी मजदूरों का आवेदन आ रहा है। हालांकि कुछ मजदूरों का कहना है कि ऐप काम नहीं कर रहा है, तो वहीं कुछ मजदूर इस ऐप को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि सरकार को ऐप में सुधार करने की आवश्यकता है। झारखंड में 4 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। अब झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 41 से बढ़कर 45 हो गई है, जबकि 4 मरीज को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दिया गया। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दी। उन्होंने कहा कि झारखंड के लिए राहत भरी खबर है, राज्य के चिकित्सकों के मेहनत का परिणाम है। भारत में संक्रमितों की कुल संख्या 17,656 हो चुका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन का पालन सख्ती से करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल से कुछ जिलों में छूट दिया गया है, यदि नियमों की अनदेखी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है तो तुरंत रियायतों को वापस लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण झारखंड में बढ़ता ही जा रहा है। मुख्यमंत्री संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मजदूरों को घर वापसी के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से मांग की है। हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके कहा कि जब यूपी के बच्चों को लाने के लिए बसें भेजी जा सकती है, तो झारखंड के बाहर फंसे बच्चों और मजदूरों के लिए भी ऐसी व्यवस्था केंद्र सरकार करे। सीएम ने कहा कि झारखंडियों के साथ अन्याय क्यों, केंद्र सरकार झारखंडियों को जवाब दे। वही केंद्र सरकार मजदूरों को झारखंड लाने की अनुमति देने से इनकार कर रही है। निजी स्कूल फीस न लेंगे, स्कूल चलाने के लिए सरकारी मदद चाहिए। खबरों के अनुसार स्कूल प्रबंधक ने शिक्षा विभाग को अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने कहा कि अभिभावक से ट्यूशन व बस फीस नहीं लिया जाएगा, परंतु शिक्षकों को वेतन देने के लिए उन्हें सरकार से मदद चाहिए, जिससे विद्यालय के शिक्षक को नहीं हटाए तथा पूर्व की तरह उनके वेतन दे सके। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि शिक्षक के वेतन के साथ साथ नगर टैक्स, भवन खर्चा, बिजली बिल इत्यादि का भी भुगतान करना पड़ता है, जो कि सरकार मदद करे। रांची के गांधीनगर हॉस्पिटल में संक्रमित मरीजों को लाने का ग्रामीणों ने किया विरोध। खबरों के अनुसार लोगों में भय का माहौल है। स्थानीय लोगों ने संक्रमित मरीजों को यहां नहीं लाने की मांग को लेकर विरोध किया। देवघर जिला के लिए अच्छी खबर आ रही है। देवघर को ग्रीन जोन में रखा गया है। देवघर के डीबी ने बताया कि क्षेत्र में नियम के हिसाब से कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। मुख्यमंत्री दीदी किचन से गरीबों को भोजन कराया जा रहा है। 4 लाख से अधिक जरूरतमंदों को रोजाना भोजन उपलब्ध हो रहा है। गरीब, बुजुर्ग, बीमार को निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है। राज्य भर में 6103 दीदी किचन चलाया जा रहा है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए और वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें। साथ ही आप हमें कॉमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।